Hey guys, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 11th with chapter 5 complex numbers in quadratic equations. So we had already done exercise 5.1 and 5.2 from question number 1 to 4. Now we are gonna start a new question. Question number 5. Fine. So देखिए स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, जेड हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है -1 -i. हमें करना क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 3 to 8, थर्ड से लेके 8th तक जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें हमें क्या करना था, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में. अब मैंने आपको जो भी पिछले क्वेश्चंस करा रखे हैं उनमें पोलर फॉर्म करनी सिखाई थी आपको कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो यहाँ पे हम अब नया क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं आज फिर से क्वेश्चन नंबर 5 में. तो देखिए क्या करेंगे हम. अब जिस भी बच्चे को बेटा बेसिक्स नहीं आते हैं वो एक बार जाके आप पिछली वीडियोस देख लें इस चैप्टर की, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. तो देखिए जो हमारा रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का उसको हम क्या पुट करते हैं, उसको पुट करते हैं आर कॉस थीटा. ठीक है, तो हम इसको क्या पुट कर देंगे, आर कॉस थीटा. ठीक है जी, आर कॉस थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे. फिर जो इसका इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा जो आयोटा के साथ है, वो -1 है. तो इमेजिनरी पार्ट को हम क्या पुट करेंगे, आर साइन थीटा. ठीक है, इसको क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 2. अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देते हैं. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्क्वायरिंग एंड एडिंग. ठीक है, बोथ साइड्स तो हो ही जाएगा अपने आप. तो देखिए यहां से क्या बनेगा, -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस इस -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा. उधर से क्या बनेगा हमारा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. तो दोनों में से आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. अब क्योंकि ये एक आइडेंटिटी होती है जिसका आंसर क्या होता है 1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं. तो हमारा यहां से क्या बचा, आर स्क्वायर. इधर से क्या आया हमारा, 2 = में क्या है, आर स्क्वायर. अब मुझे तो r की वैल्यू चाहिए, तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2. मेरे r की क्या वैल्यू आ गई, अंडर रूट 2. अब ये अंडर रूट 2 वैसे तो माइनस प्लस दोनों में आएगा, लेकिन ये है मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड हमें पता है कैसा होता है, पॉजिटिव. तो इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे. ठीक है, r की वैल्यू निकाल चुके. अब हम क्या करेंगे, जो ये r की वैल्यू हमारी आई इसको हम पुट कर देंगे कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 के अंदर. तो लिख रहे हैं हम क्या कि पुट कर देते हैं हम किसको, r को क्या, अंडर रूट 2. पुट r इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इन कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. ठीक है, 1 और 2 में पुट कर देते हैं हम. तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, -1 = अंडर रूट 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा. यहाँ से क्या बनेगा, -1 = अंडर रूट 2 और साथ में क्या है इसके, साइन थीटा. ठीक है, अब यहाँ से कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो देखिए हमारा कॉस थीटा निकालेंगे जब हम, ये अंडर रूट 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में. इधर से -1 के डिवाइड में अंडर रूट 2 क्या बनेगा, यहाँ से हमारा साइन थीटा. अब मुझे तो टेंजेंट थीटा निकालना है यहाँ से, तो टेंजेंट थीटा निकाल लेते हैं. अब टेंजेंट थीटा कैसे निकलेगा, सबको पता है टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. ठीक है, साइन थीटा की क्या वैल्यू है, -1 / √2. कॉस थीटा की क्या वैल्यू है, सेम. अब ये इससे कट जाएगी, माइनस से माइनस कटेगा, तो क्या आंसर आ गया हमारा, 1. ठीक है, अब देखिए ये आंसर तो 1 आ गया, तो टेंजेंट थीटा कैसा आ गया हमारा, 1, और 1 मतलब पॉजिटिव. तो हमें पता चल गया कि टेंजेंट तो कैसा है, पॉजिटिव, और साइन और कॉस दोनों कैसे हैं, नेगेटिव. ठीक है, तो सबको पता है कि ये क्वाड्रेंट हमारा फर्स्ट में सारे ऑल कैसे होते हैं, पॉजिटिव. ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, लेकिन कॉस कैसा होता है, नेगेटिव. तो ये तो हम नहीं ले सकते सेकंड वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमें तो साइन को कैसा लेके चलना है, नेगेटिव. ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, साइन कैसा होता है, नेगेटिव, कॉस भी कैसा होता है, नेगेटिव, और टेंजेंट कैसा होता है, पॉजिटिव. तो देखिए तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाती हैं, ये वाली तीनों सेटिस्फाई होते ही हम इस क्वाड्रेंट को चूज कर लेंगे. तो हमारा एंगल जो आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में. ठीक है, इतना. अब यहां से देखिए इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट ऑफ π/4. ठीक है, अब ये π/4 तो आ गया, अब मुझे क्या करना है, मुझे तो यहाँ पे जाना है ना थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर. तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ जी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए देखिए हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे एक माइनस साइन ले लेते हैं बाहर अपने आप से. ठीक है, ये माइनस साइन मैंने खुद से लिया, अंदर मैंने क्या लिख दिया, टेंजेंट ऑफ π - π/4. ठीक है, ये बना दिया मैंने. अब ये मैंने कैसे लिखा, इस टर्म को हम ये लिख सकते हैं कैसे, देखिए ध्यान से, पाई में से कुछ माइनस हो रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में गए, सेकंड क्वाड्रेंट में. अब सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही जाएंगे टेंजेंट कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसलिए एक साइन अंदर से कैसा आएगा, नेगेटिव, एक नेगेटिव बाहर है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. तो हम टेंजेंट π/4 पे पहुंच जाएंगे वापस. ठीक है, तो यहां से देखिए अब क्या लिखेंगे, माइनस बाहर एज इट इज, अंदर से क्या बनेगा, टेंजेंट ऑफ 4π - π, तो क्या बन गया, 3π/4. अब क्योंकि
एक फॉर्मूला हमें और पता है क्या कि टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस टेंजेंट थीटा, मतलब माइनस बाहर निकल जाता है, ठीक है। और दूसरी लैंग्वेज में कहें अगर माइनस बाहर है तो अंदर एंगल पे ले सकते हैं, देखो माइनस बाहर है तो एंगल पे ले लेंगे, ये माइनस तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट ऑफ माइनस 3π/4, ठीक है इतना। अब यहां से क्या चल रहा था हमारा, टेंजेंट थीटा। अब कंपेयर करें अगर इसको तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3π/4 माइनस के साथ, ठीक है, थीटा निकाल लिया। आर की वैल्यू क्या आ गई थी हमारी √2, तो ठीक है हमने दोनों चीज निकाल ली। अब हमें पॉलर फॉर्म में जाना है। अब सबको पता है पॉलर फॉर्म क्या होती है हमारी, जेड को हम कैसे लिखते हैं, आर कॉस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, ये आर बाहर कॉमन होता है, तो आर की वैल्यू क्या है √2 कॉस, यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिखेंगे -3π/4, प्लस में क्या लिखेंगे आयोटा साइन, और साथ में क्या लिखेंगे -3π/4, ठीक है जी। ये हो गया हमारा यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है हमें, एक नंबर दे रखा है -3, ठीक है। तो हमने इसको क्या नाम दिया, सबसे पहले तो जेड सपोज कर लिया। अब यहाँ पे हमें आयोटा नहीं दिख रहा, तो हम क्या कर लेते हैं इसको 0 × आयोटा लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा हमारा, तो फर्क तो पड़ेगा नहीं कुछ भी, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 0 × आयोटा, फाइन। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से जो रियल पार्ट है इसका -3 उसको क्या पुट कर देंगे आर कॉस थीटा, जो इमेजिनरी पार्ट है 0 उसको क्या पुट कर देंगे आर साइन थीटा, इसको क्या नाम देंगे फर्स्ट और इसको क्या नाम देंगे हम सेकंड, ठीक है। फिर क्या करना था हमें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है, स्क्वायर के बाद ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए -3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9, इधर से 0 का स्क्वायर 0 और वो 9 में ऐड करेंगे 9 ही रहेगा, इधर से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर से क्या बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और क्योंकि ये होता है 1 के इक्वल तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, तो यहाँ से क्या बचा हमारा आर स्क्वायर। फिर अंडर रूट लेंगे दूसरी साइड जाके, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, वैसे तो प्लस माइनस 3 आएगी लेकिन क्योंकि आर मॉड्यूलस है वो पॉजिटिव होगा हमारा, तो इसलिए हम आर को क्या ले लेते हैं यहाँ से +3, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया आर। अब क्या करते हैं आर को वापिस से जाके पुट कर देते हैं, तो पुट आर इक्वल्स टू 3 कहाँ पे, इन इक्वेशन 1 और 2, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में पुट करेंगे, तो देखिए क्या चेंज हो जाएंगी हमारी इक्वेशंस, कैसे चेंज होंगी। यहां से बनेगा -3 इक्वल्स टू 3 कॉस थीटा, 0 इक्वल्स टू 3 साइन थीटा, ठीक है। फिर देखिए कॉस थीटा का आंसर निकालना है मुझे, तो -3 के डिवाइड में 3 जाएगा, तो 3 से 3 कट के क्या बचेगा -1। यहां से साइन थीटा, 0 के नीचे कुछ भी लिख लो, आंसर क्या आता है हमारा 0। तो देखिए अब ये वैल्यूज आ चुकी, अब हमें निकालना है टेंजेंट थीटा। तो सबको पता है टेंजेंट थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा के डिवाइड में कॉस थीटा, वैल्यू पुट कर दो, साइन थीटा है 0 डिवाइड में है -1, क्या आंसर आएगा 0, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से देखिए कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे ये चेक करना है, तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे ऑल फर्स्ट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव। अब लेकिन यहाँ पे साइन तो पॉजिटिव लेना है मुझे, टेंजेंट भी कैसा लेना है पॉजिटिव, और कॉस कैसा चाहिए मुझे, कॉस चाहिए नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए साइन पॉजिटिव कहाँ होगा हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और कॉस नेगेटिव सेकंड में, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है ये सेकंड की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे हम, तो एंगल हमारा सेकंड का आना चाहिए, इतना पता चल गया हमें। अब क्या करेंगे, इधर लिखा है हमने 0, अब ये देखना है कि टेंजेंट की वैल्यू 0 किस एंगल पे होती है, ठीक है, या फिर यहां से देख लीजिए कॉस की वैल्यू क्या है -1। अब कॉस -1 किस एंगल पे होता है, पाई पे, तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं कॉस पाई भी लिख सकते हैं। सेम साइन की वैल्यू 0 किस पे होती है, पाई पे, तो यहां से क्या लिख सकते हैं साइन पाई इक्वल्स टू 0। तो एंगल क्या निकल गया हमारा यहां से कंपेयर करने के बाद, थीटा क्या आ गया हमारा पाई, ठीक है। तो थीटा निकाल चुके हम, आर की वैल्यू आ चुकी हमारी, अब पोलर फॉर्म लिख देते हैं, क्या होती है पोलर फॉर्म, आर कॉस थीटा ब्रैकेट में प्लस में आयोटा साइन थीटा, आर की वैल्यू क्या है हमारी 3 × कॉस ऑफ पाई प्लस में क्या आ जाएगा आयोटा साइन पाई, ठीक है, ये क्या आ गई हमारी पोलर फॉर्म। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है हमें, सेम वही काम करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, रियल नंबर जो है इसका रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का √3 उसको क्या पुट कर देंगे हम आर कॉस थीटा, जो इसका इमेजिनरी पार्ट है 1 उसको क्या पुट कर देंगे आर साइन थीटा, ठीक है यहां तक। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको 1 नाम देंगे और इसको सेकंड नाम देंगे, फिर स्क्वायरिंग एंड एडिंग, बिल्कुल सेम स्टेप्स रहेंगे सारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लेते हैं, यहां से √3 का स्क्वायर तो 3 बन गया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इधर से क्या आ जाएगा आर स्क्वायर कॉमन, अंदर से क्या बना हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो यहां से ये क्या आ गया आर स्क्वायर के इक्वल, और इधर से 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4,
तो r की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 2। वैसे तो प्लस माइनस 2 आएगी लेकिन r मॉड्यूलस है तो इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, तो r की वैल्यू हमने क्या ले ली 2। ठीक है, अब r की वैल्यू आ चुकी। अब हम क्या कर दें, इस r की वैल्यू को पुट कर लेते हैं कहां पे, 1 और 2 में। तो यहां पे लिख देते हैं पुट r इक्वल्स टू 2 कहां पे, इन इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में पुट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 2, यहां से आ जाएगा cos थीटा, यहां से क्या बनेगा 1 इक्वल्स टू 2 sin थीटा। ठीक है, अब cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं तो यहां से क्या आ गया अंडर रूट 3 बाय 2 और यहां से 1 बाय 2 किसके इक्वल आ गया sin थीटा के। ठीक है, अब देखिए यहां से cos, अच्छा हम टेंजेंट थीटा फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट थीटा क्या होता है हमारा, sin थीटा के डिवाइड में cos थीटा। साइन की वैल्यू है 1/2, कॉस की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3/2, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया 1/√3। ठीक है, अब 1/√3 टेंजेंट की वैल्यू किस पे होती है 30 पे, तो यहां से 1/√3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ पाई बाय 6। ठीक है, जैसे ही एंगल को कंपेयर करेंगे हमारे थीटा का क्या आंसर आ गया पाई बाय 6। अब देखो थीटा निकाल लिया, आर की वैल्यू निकाल ली, दोनों वैल्यूज को आप कहां पे पुट करेंगे पोलर फॉर्म निकालने के लिए। देखिए पोलर फॉर्म को कैसे लिखेंगे हम, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की आर ब्रैकेट में क्या होता है हमारा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब आर की वैल्यू क्या है हमारी 2 इंटू कॉस थीटा क्या आया है हमारा पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाय 6। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो आयोटा तो दिख रहा है हमें, रियल नंबर नहीं दिख रहा, तो क्या कर दें रियल पार्ट जो इसका 0 लिख देते हैं उसको। ठीक है, और साथ में आयोटा एज इट इज। अब यहां से कंपेयर करेंगे तो 0 हमारा क्या बन गया रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको किसके इक्वल पुट करेंगे आर कॉस थीटा। ठीक है, फिर इमेजिनरी पार्ट क्या है 1, उसको क्या पुट करेंगे हम आर साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे यहां से स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो लिख देते हैं हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो लेफ्ट साइड से देखिए क्या बनेगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, फिर आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर से क्या बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो यहां से क्या बना आर स्क्वायर और इधर से क्या आ गया हमारा 1 के इक्वल। जैसे ही हम यहां से आर निकालेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा हमारा 1, तो मॉड्यूलस की वैल्यू क्या आ गई हमारी मैग्नीट्यूड की 1। ठीक है, अब देखिए आर तो आ चुका, अब आर की वैल्यू को कहां पे पुट कर दें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, तो क्या लिखेंगे पुट आर इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट में और सेकंड में। ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा हमारा 0 इक्वल्स टू आर की वैल्यू है 1, 1 इंटू कॉस थीटा, यहां से 1 इक्वल्स टू 1 इंटू साइन थीटा, तो यहां से हमें पता चला कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 0 और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1। अब देखिए कॉस थीटा आ गया साइन थीटा आ गया, मुझे निकालना क्या है टेंजेंट थीटा। ठीक है, यहां से चाहे तो टेंजेंट थीटा करके निकाल लो या फिर डायरेक्ट निकाल लो, तो देखिए टेंजेंट थीटा क्या होता है हमारा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू 1 कॉस की 0, अब 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, तो यहां पे हमें पता चल गया टेंजेंट थीटा की वैल्यू है इन्फिनिटी और सबको पता है वो किस पे होती है पाई बाय 2 पे, तो हमारा एंगल क्या आ जाएगा यहां से पाई बाय 2। ठीक है, तो हम थीटा को क्या लिख सकते हैं यहां से पाई बाय 2। अब हमने क्या निकाल लिया, आर्ग्यूमेंट भी निकाल लिया मॉड्यूलस भी निकाल लिया, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म में पुट कर देते हैं वैल्यू क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, आर की वैल्यू है 1 इंटू कॉस थीटा के आगे हमारा पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2। ठीक है जी, तो ये थी हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म इस एक्सरसाइज के अंदर, एक्सरसाइज हो गई है हमारी कंप्लीट, इसको आप अच्छे से कर लेना, और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।